सीएम के सामने आत्मदाह की चेतावनी देने वाला पार्षद प्रतिनिधि अपनी मांगे मनवाने के लिए चढ़ा पानी की टंकी पर। देखिए क्या है आखिर इनकी मांगे। पानी की टंकी व मोबाइल टावर पर चढ़ना शायद आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। जिसे देखो वो अपनी मांगे मनवाने के लिए कभी पानी की टंकी पर चढ़ जाता है तो कभी मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर इन घटनाओं को देख रही है। क्या अपनी मांगे मनवाने के लिए ये रास्ता सही है? अब सवाल यह उठता है, क्या पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाएगी जो अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? ऐसी ही आज एक और घटना भीलवाड़ा शहर में हुई, जहां वार्ड नंबर 8 का पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह अपनी मांगे मनवाने के लिए नगर परिषद के पीछे बनी पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर नगर परिषद आयुक्त, पार्षदों के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे टंकी पर रहने के बाद एसडीएम ने यूआईटी सेक्रेटरी से वार्ता कर आश्वासन दिया कि उनके वार्ड में जो काम पेंडिंग है वो शीघ्र हो जाएगा। आपको बता दें कि दो दिन पहले पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनका वार्ड यूआईटी का योजना क्षेत्र है। 2.5 साल के कार्यकाल में कम से कम 100 लेटर यूआईटी को वह लिख चुके हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई। पटेल नगर सेक्टर 2, 3, 4 एवं 7 क्षेत्र की सड़कें वर्षों से खराब है। नाले की क्रॉसिंग, पुलिया टूटी होने से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। उनके वार्ड में कुल 12 पार्क है, लेकिन एक भी पार्क विकसित नहीं है। यहाँ सारे पार्क उजड़े हुए हैं, पार्कों के गेट टूटे हुए हैं तथा असामाजिक तत्वों का डेरा यहाँ लगा रहने से आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गजेंद्र सिंह ने बताया कि रोड लाइटें काफी समय से बंद है। इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि रोड लाइटों का मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो चुका है, रोड लाइटें अब यूआईटी ही ठीक करवाएगी। रोड लाइटें नहीं होने से रात में लूटपाट की घटनाएं हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों का रात के समय निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वार्ड में अवैध निर्माणकर्ताओं की भरमार है। जिला कलेक्टर व यूआईटी सचिव को लिखित में कई बार शिकायत देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से भू माफियाओं के हौसले बुलंद है। इन सब समस्याओं का निराकरण नहीं होने व वार्ड वासियों द्वारा बार बार शिकायत करने पर उनका समाधान नहीं कर पाने की स्थिति में पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 6 सितंबर को भीलवाड़ा आने पर उनके सामने आत्मदाह करेंगे। इसी चेतावनी के चलते पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह मंगलवार को नगर परिषद के पीछे पहुंचे और पानी की टंकी पर चढ़ गए और करीब एक घंटे बाद एसडीएम के आश्वासन के बाद गजेंद्र सिंह पानी की टंकी से नीचे उतरे और कार में बैठकर वहां से निकल गए।